मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्माता जा रहा है। जहां बीजेपी कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की खामियां गिनाने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस भी सीएम शिवराज को लेकर सिंधिया पर जोरदार निशाना साध रही है। आज भी पार्टी ने सिंधिया की दगाबाजी को लेकर हल्ला बोला, साथ ही उनका काला चिट्ठा भी सबके सामने रखा, जिससे बीजेपी भड़क उठी है और इन बयानबाजियों से साफ है कि चुनावी घमासान जबरदस्त होने वाला है। राजनीति में वक्त के साथ अक्सर नेता भी बदल जाते हैं। जो कल तक कांग्रेस के साथी थे, वो अब शिवराज के करीबी बन गए हैं। अब कमल थामकर कमलनाथ को ही ललकार रहे हैं। एक वक्त में कांग्रेस का हाथ थामकर शिवराज के खिलाफ हुंकार भरने वाले सिंधिया अब कांग्रेस के खिलाफ ही बोल रहे हैं। जब उनके सुर बदले तो कांग्रेस को भी बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और अब तो उपचुनाव भी है, इसीलिए कांग्रेस सिंधिया की दगाबाजी गिना रही है। मांधाता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए अरुण यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश का गद्दार बताया। अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत करके 15 साल बाद मांधाता विधानसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण पटेल को जीत दिलाकर विधानसभा भेजा था, लेकिन वो खोटा सिक्का निकला। यादव ने कहा कि यदि उन्हें पहले ही पता होता कि ऐसा होगा तो वो इस खोटे सिक्के को किसी कुएं में डाल देते, बाजार में नहीं चलाते। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे ये उपचुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच है। भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीद कर जनता के द्वारा चुनी हुई कमलनाथ सरकार को गिराया है और ये लोकतंत्र का अपमान है। प्रदेश की जनता इस उपचुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सिंधिया को गद्दार बताकर उन पर भड़क उठी हो। जब जब चुनावी प्रचार में नेता उतरते हैं, तब तब नेता उनकी पोल खोलते हैं। कांग्रेस का वफादार बनाम गद्दार का अभियान बीजेपी को परेशान कर सकता है। अगर जनता ने उस पर भरोसा नहीं जताया तो शिवराज को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सूबे में किसकी सत्ता रहेगी बरकरार और किसके सिर सजेगा जीत का ताज। डीबी लाइव की रिपोर्ट।